हरियाणा में कट्टरपंथी जिहादियों द्वारा हिंदू धार्मिक यात्रा पर किए गए हमले के विरोध में बजरंग दल का आक्रोश फूट पड़ा और प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी की अगुवाई में बजरंगियों ने नगर पालिका चौराहे पर जमकर नारेबाजी करते हुए जिहादियों पर कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने बताया कि हरियाणा मेवात जिले के नूह में महाभारत काल से ही भगवान शंकर का दर्शन पूजन हेतु 5 मंदिरों का श्रावण मास में शिव भक्त जाते हैं। धार्मिक यात्रा में लगभग 20 से 25 हजार दर्शनार्थी अभी यात्रा हेतु निकले ही थे कि 15 मिनट बाद उन पर कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादियों ने पत्थरबाजी, आगजनी तथा गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 2 श्रद्धालुओं को गोलियां भी लगी और दर्शनार्थियों के वाहन भी क्षतिग्रस्त करते हुए फूंक दिए गए। घटना पर आक्रोशित पूरे व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गौरव रघुवंशी ने कहा कि क्या मेवात पाकिस्तान बन गया है, जहाँ हिंदू अपने मंदिरों के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते, ऐसा दुष्कृत्य बर्दाश्त के बाहर है। हरियाणा में जो मेवात जिला है वहाँ पे नूह में कट्टरपंथियों द्वारा जो हमारी शोभा यात्रा पे पत्थर चलाया गया, आगजनी की गई और गोलियां बरसाई गई, हम उसके विरोध में पूरा बजरंग दल पूरे देश में व्यापक धरना प्रदर्शन कर रहा है। और भी आज अपना प्रश्न देते हुए आज जो किस तरह का जुलूस निकाला, क्या है? गौरव रघुवंशी, प्रांत संयोजक बजरंग दल गोरक्ष प्रांत। आज हरियाणा में अभी आपने देखा 1 अगस्त को नूह में मेवात में जो पड़ता है वहाँ पर नल्हड़ मंदिर के पास अपनी धार्मिक यात्रा निकल रही थी। 20 से 25 हजार लोग उस यात्रा में मौजूद थे और कट्टर इस्लामिक जिहादियों द्वारा योजनापूर्वक हमारी यात्रा पर हमला किया गया, गोलियां बरसाई गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और हिंदू समाज के अपने 5 भाई हताहत हुए हैं, काफ़ी लोग उसमें घायल हुए हैं और एक कायर लोग महिलाओं और बच्चों को भी घेर करके मारने का प्रयास किए हैं। ऐसी चीज़ें अशोभनीय हैं, बजरंग दल इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। यात्रा में जो भी हिंदू समाज की लोग हताहत हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, हमारी पहली मांग है। जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपया, जो घायल हुए हैं उनको 20 लाख रुपया और जो क्षति हुई है वाहनों की उनकी क्षतिपूर्ति सरकार को अविलंब करना चाहिए। बजरंग दल इस घटना को लेकर आज देश भर में एक साथ सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, ताकि सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। यह कट्टर आतंकवादियों द्वारा यह चुनौती दी गई है। पूरे हिंदू समाज को ही नहीं, इस सरकार को, इस सिस्टम को चुनौती दी गई है कि तुम खड़े रह जाओगे और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। पुलिस खड़ी थी, सिस्टम खड़ा था, खुफिया विभाग लगा था, इतनी बड़ी यात्रा जिसमें 20,000 लोग हैं उस पर हमला हो कैसे गया? यह बहुत चिंता की बात है। यह लोग अपने हौसलों में अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो देश के लिए चिंताजनक स्थिति होगी। हिंदू समाज को इस घटना को संज्ञान में लेकर के आगे आना चाहिए, हर जगह इसका विरोध होना चाहिए, सड़कों पर उतर करके आंदोलन होना चाहिए। आज यह बजरंग दल प्रारंभ कर रहा है और इस घटना में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जो जिहादी हैं जो मेवात में रह रहे हैं, आज मेवात को उन्होंने मिनी पाकिस्तान बना दिया है, हिंदू समाज का उन्होंने धर्मांतरण करवा करके पलायन करवा दिया। अभी मेवात में पिछले दिनों आपने सुना होगा हिंदू समाज वहाँ से पलायन कर रहा था, आज उसकी दशा हम लोगों ने देख ली, उसका परिणाम क्या हुआ आज दिख रहा है समाज को। तो हिंदू समाज वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गया, आज मेवात पाकिस्तान का रूप ले रहा है और वह लोग यह संदेश दे रहे हैं कि हिंदू समाज कोई भी धार्मिक यात्रा उनके गली से, उनके क्षेत्र से निकाल नहीं सकता है और अगर निकालोगे तो मरोगे, यह उन्होंने चुनौती दी है और बजरंग दल चुनौती स्वीकार करने में देश में सबसे आगे है। इसी तरह चुनौती जम्मू में जिहादियों ने दी थी, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को उन्होंने रोका था, बजरंग दल ने चुनौती स्वीकार किया, 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ हमने कूच किया और आज जम्मू की यात्रा निर्बाध रूप से चलती है और 1 लाख से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता हर साल अगस्त के महीने में जम्मू में बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। तो इसी प्रकार जो मेवात के जिहादियों ने साजिश रची है इनका जवाब दिया जाएगा, इनको छोड़ना नहीं है और सरकार से मांग करते हैं सील करके मेवात को, एक एक जिहादी को खोजा जाए, जिन्होंने अपने हाथों से पत्थरबाजी की है उनको सजा मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिलेगी तो हिंदू समाज आक्रोशित होगा और आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी यह इमरजेंसी काल है, इस पर हम लोग एकत्रित होकर के जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन किए हैं, आगे कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे स्थितियाँ और गंभीर होगी।